चलाक लूमड़ी और बूढ़ा शेर। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में लूमड़ी रहती थी। लूमड़ी बहुत चलाक थी और अपनी चलाकी की वजह से वो पूरे जंगल में बहुत मशहूर थी। सब जानवर उसे मशवरा किया करते थे, यहाँ तक कि शेर भी उसे मशवरा करता था। एक दिन उसने कुछ ऐसा खाया कि उसके पेट में दर्द होने लगा और वो हाय हाय करने लगी। पास ही एक खरगोश खेल रहा था, जब उसने उसकी हाय हाय सुनी तो वो लूमड़ी के पास आया और उससे पूछने लगा, अरे बहन, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों हाय हाय कर रही है? देखिए, क्या बताऊं भाई, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ है। अरे बहन, कैसी बात करती है, अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा। अरे कि भाई, कैसे ठीक हो जाएगा? अरे बहन, क्यों परेशान होती है, तू शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, शाम तक ठीक हो जाऊंगी, तेरे पास कहीं बड़ा जादू है जो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी। अरे बहन, याद आया, मेरे पास एक ऐसा जादू है, मैं वो पढ़ूंगा तब तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, और अगर मैं शाम तक ठीक ना हुई तो सुबह तक हो जाएगी। अब तू ऐसा कर, मेरे पास आ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तू देखना शाम तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खरगोश मंत्र पढ़ने लगा झूठ मूठ का। खरगोश को कोई जादू वादू नहीं आता था, उसे बस अपनी झूठी तारीफ सुनने का बहुत शौक था। पास ही चिड़िया ये सारा मंजर देख रही थी। वो खरगोश के पास आई और पूछने लगी, खरगोश भाई, क्या तुम्हें सच में जादू आता है? अरे हाँ, सच में जादू आता है, मैंने लूमड़ी को देखा तो याद आया, मैं तो इसे ठीक कर सकता हूँ, तो देखना शाम तक ये बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें दूसरों की जरूर मदद करनी चाहिए। शाम होने पर लूमड़ी वाकई ठीक हो गई और लूमड़ी ने खरगोश की दिल से कदर की और उसकी खूब तारीफ की। खरगोश अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। लूमड़ी ने जंगल के दूसरे जानवरों को भी बताया और सब उसकी तारीफ करने लगे। चिड़िया ने भी दूसरे जानवरों को बताया और अब उसकी हर तरफ धूम मच गई। अब जो भी जानवर बीमार होता वो खरगोश के पास आता और उनमें से कुछ जानवर तो ठीक ही हो जाते और वो खरगोश की खूब तारीफ करते। और खरगोश बहुत खुश था, एक छोटे से झूठ बोलने पर उसकी खूब तारीफें हो रही थीं। जंगल के बूढ़े बादशाह को भी ये खबर पहुंच गई कि खरगोश को जादू आता है। शेर ने खरगोश को अपने पास आने का हुक्म दिया। शेर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। वहां पर लूमड़ी भी पहले से मौजूद थी, क्योंकि लूमड़ी बहुत चलाक थी, शेर भी अक्सर उससे मशवरे किया करता था। शेर खरगोश को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास बैठाया। इस इज्जत अफजाई पर खरगोश और खुश हुआ और उसका दिमाग सातों आसमान पर पहुंच गया। शेर ने कहा, सुनो खरगोश भाई, मैंने सुना है कि तेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे सब ठीक हो जाते हैं। मैंने तुम्हें इस मकसद के लिए बुलाया है कि तू वो जादू मेरे पे कर, ताकि मेरी जवानी वापस लौट आए और मुझ में पहले जैसी ताकत आ जाए। तू जानता तो है मैं पहले कितना ताकतवर था, सारे जंगल के जानवर और साथ वाला जंगल का शेर भी मुझसे डरता था। अब तू ऐसा कर, मुझ पे मंत्र पढ़,
ताकि मेरी जवानी आ जाए। ये सुनकर खरगोश बहुत परेशान हुआ और खरगोश ने शेर से कहा, ये मुमकिन नहीं है कि जवानी एक बार आकर गुजर जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरा ये काम करना होगा वरना मैं तुझे मार दूंगा। ये सुनकर खरगोश बेचारा बहुत परेशान हुआ। लोमड़ी ने जब उसकी ये हालत देखी तो बादशाह से कहने लगी, अरे बादशाह सलामत, परेशान क्यों होते हैं? इसे जादू आता है, ये जादू से अपना काम कर दिखाएगा, लेकिन आप इसे कुछ वक्त तो दें। खरगोश ने लोमड़ी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने लगा। अब उसे कुछ वक्त मिल गया था और वो समझ गया था, जरूर लोमड़ी के जहन में कोई ऐसी बात होगी जिससे वो बच सकता है। शेर ने खरगोश को घर जाने की इजाजत दे दी कि वो सोचे कि वो कैसे जवान होगा। घर जब वो आया, उसकी बीवी ने देखा कि वो बहुत परेशान है। अजी मेरी बात सुनिए, आप क्यों इतने परेशान हैं? अरे मैं क्या बताऊं, आज मुझे बादशाह ने दरबार में बुलाया था और मुझे कहा कि मेरी जवानी लुटा दो। मैंने आपको कहा भी था कि आप झूठ मत बोला करें, एक मामूली से झूठ की वजह से आज आपको ये परेशानी उठाना पड़ी। आप ऐसा करें, आप लोमड़ी के पास जाएं, वो बहुत चलाक है, जरूर आपको अच्छा मशवरा देगी। जब भी परेशान हो किसी से जरूर मशवरा करना चाहिए, उसने आपको शेर के दरबार से बचाया है, जरूर उसके जहन में कोई बात होगी, आप जाएं और उससे मशवरा करें। खरगोश लोमड़ी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई कि उसने झूठ मूठ का मंत्र पढ़ा था, उसे कोई जादू नहीं आता। लोमड़ी भी बादशाह से खुश ना थी, वो जानती थी कि बादशाह बूढ़ा हो चुका है, वो जंगल के जानवरों की हफाजत नहीं कर सकता, बल्कि अब वहां पे कोई जवान शेर बादशाह होना चाहिए। उसने कहा, अरे सुनो, इधर अपना कान करो, दरख्तों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। तो ऐसा करना, बादशाह को कहना वो कल सुबह तालाब में चला जाए और अपना पूरा जिस्म पानी में डाल दे और सिर्फ मुंह बाहर निकाले और अपनी आंखें बंद कर ले। लोमड़ी ने खरगोश को सारी तरकीब बता दी। खरगोश खुश होकर बादशाह के पास गया और उसे कहा कि वो अब घर में बैठकर कल एक मंत्र पढ़ेगा और वो सुबह तालाब के में चला जाए और अपना मुंह बाहर निकाले और आंखें बंद करे। वो घर में मंत्र पढ़ता रहेगा और उसकी जवानी लौट आएगी। शेर बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो सुबह का इन बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार करने लगा। अगली सुबह बादशाह तालाब में चला गया और उसने खरगोश के कहने के मुताबिक अपना मुंह बाहर निकाला और आंखें बंद कर लीं। खरगोश और लोमड़ी दूर दरख्त के पीछे छुपे शेर को देख रहे थे। उस तालाब में बड़े खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। उन्होंने जब शेर को देखा तो उन्होंने चारों तरफ से शेर को अपने घेरे में ले लिया और उसको खाने की कोशिश करने लगे। बादशाह बेचारा जो बूढ़ा हो चुका था उनका मुकाबला न कर पाया और मगरमच्छों ने बादशाह का गोश्त नोच नोच कर खा लिया। ये सारा मंजर देखकर लोमड़ी और खरगोश बहुत खुश हुए। इस तरह से उनकी बूढ़े बादशाह से जान छूट गई और खरगोश ने आइंदा कभी झूठ बोलने का इरादा न किया, या वो कभी झूठ नहीं बोलेगा।